नमस्कार दोस्तों, कारगिल वॉर के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ पे आधारित जो मूवी अभी रिसेंटली आई है, धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर की जो मूवी आई है शेरशाह, उस मूवी में विक्रम बत्रा के दोस्त का रोल प्ले करने वाले, सनी का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर है, उन्होंने आके कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको हैरान कर देगी। किस कदर सुशांत का जिक्र करने के कारण उनका रोल करण जौहर ने कटवा दिया और कैसे करण जौहर सुशांत का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, इन सारी चीज़ों का खुलासा किया है एक्टर साहिल वैद ने। एक्टर साहिल वैद को आप जानते हो, काफ़ी सारे मूवीज़ में इन्होंने साइड रोल्स किए हैं, धर्मा प्रोडक्शंस के ही कुछ मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। और ये जो मूवी जब उनके पास आई थी तब उनको बोला गया था कि शेरशाह मूवी में साहिल को एक लीड रोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैरा आडवाणी के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट रोल है, एक सैनिक का रोल था जो इनको मिलने वाला था, लेकिन इनका रोल काट दिया गया। पूरी जो घटना है, एक्टर साहिल वैद ने जूम टीवी पे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इन्होंने दिया था और इन्होंने करण जौहर को एक्सपोज किया था। पूरी जो घटना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। साहिल ने ये बोला है कि इनको अफसोस है कि ये शेरशाह जैसी मूवी का एक हिस्सा बने, और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो वो शायद ये मूवी नहीं करते, ये मूवी रिजेक्ट कर देते। ये मूवी करने का एक ये भी कारण है कि विक्रम बत्रा के लाइफ के ऊपर ये मूवी आधारित है और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ के ऊपर बनी है, इसी कारण इन्होंने इस मूवी में इंटरेस्ट दिखाया था। और पहले इनको बोला गया था कि इनका जो रोल है एक सैनिक का रोल होगा, तो ये काफ़ी एक्साइटेड थे, धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है तो ये मूवी इन्होंने साइन कर दिया था। जूम टीवी से बात करते करते साहिल ने ये बोला कि शेरशाह मूवी करने का उनको बहुत ज़्यादा मलाल है और उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। शेरशाह मूवी की शूटिंग जब स्टार्ट हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद जब साहिल सेट पे जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि सेट का माहौल बहुत गर्म है और करण जौहर बौखलाए हुए हैं, वो गुस्से में है। उसके बाद ही उनको पता चलता है कि उनका रोल काट दिया गया है और वो अभी सैनिक का रोल नहीं करने वाले हैं और कैप्टन विक्रम बत्रा के दोस्त का एक छोटा सा रोल इनको मिला है। उसके बाद इन्होंने ये रोल तो किया, लेकिन मूवी रिलीज़ होने के बाद कोई भी साहिल के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा था, और उसके बाद जो पूरा क्रेडिट है वो मिल गया था सिद्धार्थ मल्होत्रा को। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करण जौहर को पता चल गया था कि दिल बेचारा जो सुशांत की लास्ट मूवी थी, उस मूवी में सुशांत के दोस्त का किरदार निभाया था साहिल वैद ने, और ये मूवी करते दौरान सुशांत के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए। सुशांत के मौत के बाद भी साहिल वैद सोशल मीडिया में और बहुत जगह पे इन्होंने सुशांत के मर्डर में CBI जांच के लिए इन्होंने अर्जी लगाई थी और इन्होंने जस्टिस फॉर SSR जो मूवमेंट है, जो मुहिम है, इसको इन्होंने सपोर्ट किया था। कई सारे जगह पे इन्होंने बोला है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और सुशांत की आत्मा को जस्टिस मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करण जौहर को पता लग गई थी और उसके बाद करण जौहर इतना गुस्सा हो गए कि उनका रोल मूवी में काट दिया। साहिल को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मूवी के लिए राज़ी किया था, लेकिन उसके बाद जब इनको पता चल गया कि साहिल सुशांत के काफ़ी करीबी दोस्त है और वो सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में भी जुड़े हुए हैं, बस तब करण जौहर ने उनका रोल काट दिया। और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि करण जौहर या धर्मा प्रोडक्शंस साहिल के साथ काम करेंगे। साहिल ने यह भी बोला है कि शेरशाह मूवी के सेट के बाहर इन्होंने कभी किसी से सुशांत के बारे में बात किया था, जो शायद सेट के कुछ स्टाफ्स ने सुन लिया था और उसके बाद ही उनका रोल कट हो गया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन के अंदर उनका रोल कट हो जाता है, उनका रोल चेंज हो जाता है। साहिल ने यह भी बोला कि वो करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के आभारी है क्योंकि उनको हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इन मूवीज़ में काम करने का अवसर मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और साइन करवाया जाएगा और उनका जो रोल है वो सैनिक के रोल से काट के विक्रम बत्रा का दोस्त का रोल दिया जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों से साहिल बहुत नाखुश है और वो बहुत ज़्यादा डिसहर्टेंड हो चुके हैं। सुशांत के बारे में साहिल ने ये बोला था कि सुशांत एक बेहतरीन इंसान है और वो बहुत ही अच्छे एक को एक्टर है। उसके बाद अब जाके साहिल को ये सारा तमाशा देखना पड़ रहा है और ये जो नेपोटिज्म है या फिर ग्रुपिज्म है उसे झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि साहिल के साथ जो भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ और करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस की जितनी सारी मूवीज़ है उसे बॉयकॉट करनी चाहिए। शेरशाह ये जो मूवी बनाई गई है ये तो देश प्रेम पे आधारित है, लेकिन
ये बनाने के पीछे ये भी मकसद था कि करण जौहर के जो पुराने मूवीज़ है वो सारे देशद्रोह पर आधारित है, इसी कारण इमेज को सुधारने के लिए और ऑडियंस का मन जीतने के लिए इन्होंने ये मूवी बनाई है और ये सबको दिख रहा है। मैंने तो ये मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैंने KRK का रिव्यू देखा है जहाँ पे KRK ने भी इस मूवी को एक्सपोज किया है। आपने ये मूवी देखा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन साहिल वैद का ये जो स्टेटमेंट है और साहिल वैद के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।